आज की इस क्लास में हम आपको सिखाने वाले हैं आलिया कट कुर्ती की कटिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो गाइस ये देखिए हमने ये फैब्रिक लिया है, ये 1 मीटर हमने ऊपर टॉप पार्ट के लिए लिया है वर्क में, और ये जॉर्जेट का है दोनों ही फैब्रिक, इस पे वर्क हुआ है, ये बिल्कुल प्लेन है। तो 3 मीटर हमने ये लिया है और 1 मीटर ये हो गया हमारा, और ये है हमारा 3 मीटर विमल का इनर। तो चलिए हम इसकी कटिंग करके दिखाते हैं आपको। सबसे पहले हम टॉप पार्ट कट करेंगे, तो सबसे पहले हम इनर पे कट करते हैं टॉप पार्ट। हम इनर को उतना ही फोल्ड कर लेंगे जितनी हमने ब्रॉड चाहिए, यानी कि सबसे बड़ा जो साइज है हमारा वो हमारा चेस्ट का देखना है। हम चेस्ट और कमर के दो ही माप होते हैं, तो हमारा जो माप है वो है 9.5 बड़ा साइज, तो 9.5 एक हो गया, जितना आपने एक्स्ट्रा लेना 2.5 इंच वो एक्स्ट्रा हो गया, टोटल देखें कितना हो गया 12 इंच। तो 12 इंच की हम ब्रॉड ले लेते हैं। अब हम सबसे पहले शोल्डर लेंगे, नेक हमारा 9 इंच का है, शोल्डर हमारा 7.5 है रेडी। तो अब 9 इंच का है तो हम यहाँ से 1.5 इंच कम कर देते हैं, 6 इंच का हमारा शोल्डर हो गया, 6 इंच हम यहाँ से निशान लगाते हैं, सीधा निशान लगाएंगे, कोने साथ पे हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। उसके बाद लेंथ चेक करते हैं कि हमने लेंथ कितनी रखनी है टॉप पार्ट की, तो इनकी जो लेंथ है वो 50 की है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा है, तो हम 16 इंच का इनका टॉप पार्ट रेडी करेंगे। दूसरी एक चीज़ और बताते हैं हम कि अगर आप आलिया कट कुर्ती बना रहे हो तो उसमें आपने लेंथ थोड़ी सी नीचे ही रखनी है, क्योंकि हम उसको इस तरीके से कर्व शेप देते हैं जिससे वो आपका लोअर बस्ट से अच्छी फिनिशिंग से फिटिंग आएगी। तो हमने जैसे कि इनका जो टॉप पार्ट रेडी करना है वो 16 इंच का रेडी करना, तो हम 17 इंच का लेते हैं, 1 इंच एक्स्ट्रा, 1/2 इंच ऊपर मार्जिन का, 1/2 इंच नीचे मार्जिन। तो यहाँ से अब हम डॉट पॉइंट ले लेते हैं, जैसे कि 10 पे आया था तो 10.5 पे इसका निशान लगा लेते हैं, सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, चेस्ट का निशान लगाते हैं 9.5 पे, 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब जितना हम यहाँ पे लेते हैं 11.5 इंच हम नीचे ले लेते हैं। अब हम यहाँ से राउंड शेप देते हुए कटिंग कर ले, और यहाँ से आपने कितना ऊपर की तरफ करो इस तरीके से देना है उस तरीके से आप इसको भी यहाँ से कट कर दोगे। जैसे कि हमने 5 इंच पे एक कट लगाया, वैसे 4 इंच पे लगाते हैं हम, हमने टॉप पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा नीचे ले रखा है तो हम 5 इंच पे लगाते हैं यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से हमने ऐसे शेप देनी है, कुछ इस तरीके से ये शेप दे देनी है, लेकिन अगर आप बिल्कुल ऐसे के ऐसे इसको कट कर दोगे तो क्या रहेगा, आपकी जो ये लाइन है लोअर बस्ट के ऊपर से होके आएगी, इनके बस्ट के ऊपर से होके आएगी, जो कि बहुत ही बुरी लगेगी। तो हम इसको क्या करेंगे, हल्का सा जैसे कि हमारी मान लीजिए कमर का जो निशान हम आपके दिखाते हैं आपको 7.5 है, 1.5 इंच की हम डॉट डाल देंगे। तो यहाँ से भी करके अगर हम माप रहे हैं इसको, तो हमने ये राउंड कुछ इस तरीके से देना है, ऐसे राउंड में हल्का सा। आप इसको अगर फिटिंग से मिला के देखना चाहो तो ऐसे बाई चांस कई बार क्या होता है कि राउंड उनसे फोल्ड होने में नहीं आता, जब हम इसकी स्टिचिंग लगाएंगे वो राउंड में जाता है, तो आप फिटिंग से ले सकते हो इस निशान को बाहर वाले निशान की बजाय। तो हल्का है, जब इसको कट करोगे थोड़ा सा राउंड देते हुए कट करोगे। अब हम इसकी एक बार कटिंग कर देते हैं। याद रखना आपने यहाँ पे कितना लिया था, 5 इंच, वैसे आप 4 इंच तक भी लेते हो काफी सही रहता है। यहाँ से हम डाउन करेंगे, अब हम बैक पैनल भी कट कर लेते, जितना हमने यहाँ से कट किया था 16 इंच का हम यहाँ पे भी निशान लगा लेंगे, यानी कि बैक हिस्से के लिए। आप ऐसा कर सकते हो, पहले दोनों इक्वल कट कर लीजिए उसके बाद ये कटिंग कर सकते हो, एक्स्ट्रा लेंगे ऊपर से। इस तरीके से हमने टॉप पार्ट मेन जो हमारा इनर था उसमें से कट कर लिया, अब मेन फैब्रिक में से कट कर लिया। इसको भी हम इतना ही फोल्ड कर लेते हैं जितना हमें चाहिए। ये कलर तो आपका फिटिंग में ही आएगा एक्स्ट्रा मार्जिन में, तो
इसको हमने कुछ इसी तरीके से एक्स्ट्रा ले लिया प्लेन, थोड़ी सी सटाई करते हुए ही कट कर लेंगे क्योंकि अब हमने बैक पैनल को साथ में कट नहीं करना। तो फ्रंट की सटाई भी कर दी है हमने साथ के साथ। अब यहाँ से भी सीधा कट कर देते हैं। तो ये आपका फ्रंट हिस्सा कट हो गया है, अब बैक हिस्सा कट करें। नीचे से जो हमने घेर कट करना है वो कट कर लेते हैं, इनको साइड में रख देते हैं। सो देखिए गाइस, हमने 3 मीटर इनर का ये देखिए हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। अब हमने ऊपर से टॉप पार्ट जितना कट किया है, यानी कि जितना हमने रेडी रखना है, हमने रखना था 16 इंच का रेडी। तो हम क्या करेंगे, जितना हमने रेडी रखा उतना हमने बाहर निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, जितनी हमने लेंथ लेनी उतनी पे निशान लगा लेते हैं। आपने फोल्ड किस तरीके से करना है उतना ही आप एक्स्ट्रा निशान भी लगा लोगे। 2 इंच का फोल्ड करना है, हम 1 इंच और एक्स्ट्रा ले लेते हैं ताकि कम ज्यादा हमें करना पड़ जाए तो हम उस तरीके से कर लें। तो अब आपने इसको टोटल देख लेना कितना लिया है, 37 इंच का। 37 इंच का हम यहाँ पे एक निशान लगाते हैं और यहाँ पे सीधा निशान लगा के इसको कट कर लेते हैं। तो ये हमारा बैक पैनल हो गया। फ्रंट में हमने एक्स्ट्रा लेना, पहले हमने इक्वल बैक पैनल कट कर लिया, अब हम फ्रंट कट करेंगे। लेकिन फ्रंट में आपने एक ध्यान रखना है, वो हम आपको बताते हैं। हम इसको भी डबल फोल्ड कर लेते हैं एक बार सेम ऐसे ही। तो अब देखिए, हमने जो बैक पैनल था वो इक्वल कट कर लिया लेंथ के अकॉर्डिंग। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमने 5 इंच पहले तो हम एक बार ये करनी है, इसकी वजह से यहाँ से इक्वल नहीं हो पा रहा, सीधी लाइन ड्रॉ कर देते। अब हम 5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, वो किस लिए, जो हमने वहां से डाउन किया था। तो यहां से भी 5 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं और एक सीधी लाइन खींच देते हैं। अब हम लेंथ लेंगे जितनी हमने पैक के लिए ली है 37 इंच, तो हम 37 इंच यहाँ पे भी ले लेते हैं। अब हमने वहां पे डाउन किया था, यहाँ पे इस तरीके से ए शेप में हमने इसको कट कर देना है ऐसे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, यहां से हम सीधा कट कर देते हैं। जो हमने जैसे कि टॉप पार्ट में दिखाते हैं आपको, यहां से डाउन किया उसको हमने इस तरीके से इसमें सेट कर देना है ऐसे। तो हमारी लेंथ तो उतनी ही है जितनी बैक की है, यहाँ से वो कम किया वो हमने यहाँ पे कवर कर दिया और इस तरीके से ये हमारा फ्रंट हिस्सा हो जाएगा। इसमें हम गैदर्स डाल लेंगे और इसके साथ फिर बाद में ओपन करके इसको अटैच कर देंगे। इसको सीधा करके दिखाते हैं, कुछ इस तरीके से फ्रंट हिस्सा है, इसको भी सीधा करके दिखाते हैं यहाँ से। तो आपके इसमें छोटी छोटी गैदर्स डल जाएंगी, यहाँ तक कवर हो जाएगा, यहाँ पे भी छोटी छोटी गैदर्स डाल कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ तक आएंगे गैदर्स, बिल्कुल बीच बीच में नहीं डालनी तरीके से। बस इस तरीके से आपका ये आलिया कट बन जाएगा। इस पे आप लेस वगैरह लगा के या कैसे भी लगा के इसको रेडी कर सकते हो, स्लीव्स अपने अकॉर्डिंग आप कट कर सकते हो जैसे आपको चाहिए। उसके बाद हम स्लीव्स कट कर लेंगे, सेम घेर हमने कट कर लिया है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताइए, पसंद आई है तो लाइक में अपना प्यार दिखाइए और इसको शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके ही जाइए। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह गया है, यानी कि आपको हमसे जुड़े रहना है, तो प्ले स्टोर पे जाइए, हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ऐप का नाम है टैलेंटेड रितु इंसा। और अगर आपको लाइफ टाइम के लिए क्लासेस चाहिए या फिर किसी भी ड्रेस की स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप ऐप से बिल्कुल ले सकते हो। फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो आप जो ये नंबर देख रहे हो इन पे कॉल करके डिटेल ले सकते हो। थैंक यू।